Now next C program about triangle operation. Suppose that your आपका triangle given है, then triangle के basis पर identify करना given triangle is valid or not. इसे triangle valid है और invalid identify करना based on given angle of the triangles. Triangle के केस में total possible angles कितने होंगे? 3 angles. Here we are writing some diagram about triangles. मैं triangles के केस में total angles कितने की टोने? There are 3 angles. Angle 1, angle 2 and angle 3, like that. What do you mean by triangle is valid or invalid? अगर किसी भी triangle के respect में given angles का sum अगर 180 degree के equivalent है, if the sum of the given triangle angles of the given triangle is equivalent to 180 degree, then we can say triangle is valid triangle. मीन्स अगर triangle के respect में ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम गिवन एंगल्स का सम अगर 180 के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है तो इसको कंसीडर किया जाएगा जब ट्राइंगल इज वैलिड, अदरवाइज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल्स 180 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट केस में ट्राइंगल के इसमें फर्स्ट एंगल कंसीडर करना है ए, नेक्स्ट वन एंगल इज बी, एंगल इज सी. सपोज दैट गिवन एंगल क्या है, मींस ए इज गिवन एज 60, B is given as also 60. Means second case में भी angle कितना create हो रहा 60 degree. Same as third case में भी angle कितना create हो रहा something 60 degree. Means A, B, C तीनों sides के angles कितने create हो रहा 60 degree, 60 degree और 60 degree. Total क्या आएगा इसका 60 plus 60 plus 60 is 180. Means इस case में triangle का type क्या है? Valid triangle. Other possible combinations क्या होंगे? Suppose that this one is 90 degree, something 90 degree, next one 60 degree, next one 30 degree. Again in तीनों के sum की बात करें 90 plus 60 plus 30 is again equivalent to 180 degree. Again current case में भी इस triangle का type क्या है, also valid triangle. Next one similarly, suppose that next case, in that case again we are giving 90 plus 45 plus 45. इस केस में भी ट्राइंगल का टाइप क्या है, सम क्या आ रहा है 90 प्लस 45 प्लस 45 इज आल्सो 180 डिग्री. इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे. इस केस में ट्राइंगल का टाइप क्या हुआ, मींस गिवन ग्राफ और एंगल का टाइप क्या हुआ, राइट ट्राइंगल्स, वैलिड ट्राइंगल्स. नेक्स्ट वन, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड इनपुट्स, मींस इस केस में टोटल एंगल्स कितने की टू एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. थ्री साइड्स के एंगल्स कितने ए बी सी, यानी एंगल्स के केसेस में अगर एंगल्स को सम कराएं, सम कराने पर अगर एंगल का सम क्या रहा है 180 डिग्री, देन वी कैन से गिवन एंगल इज अ वैलिड ट्राइंगल और गिवन ग्राफ इज अ वैलिड ट्राइंगल्स. फर्स्ट वन, इस केस में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, थ्री इनपुट्स, वन टू थ्री, लाइक दैट. देन इन एंगल्स का सम स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम वैलिड मीन्स सम वेरिएबल्स लाइक एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स. देन एंगल्स के केस में कंपेयर कराएंगे इसके लिए लॉजिक्स क्या रहेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, फर्स्ट वन डिक्लेयरिंग ऑल प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, फोर वेरिएबल्स लाइक एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, लाइक दैट. नेक्स्ट वन एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स, सम वेरिएबल एज एंगल्स, मीन्स इनका सम किस में आसान कराएं, एंगल्स के फॉर्म में. देन सम स्टोर कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंपेयरिंग यूजिंग सम कंडीशंस. इसका सम 180 के इक्विवेलेंट है, देन वी कैन से एंगल इज वैलिड, अदरवाइज मीन्स इफ और एल्स के फॉर्म में कंडीशंस प्रोवाइड करें, अदरवाइज और एल्स नॉट वैलिड, नॉट वैलिड ट्राइंगल. दिस इज द लॉजिक्स फॉर चेकिंग वेदर अ ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, मीन्स टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, इसके इसमें देयर आर फोर वेरिएबल्स लाइक इंटीजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एंगल वन कॉमा एंगल टू और स्मॉल शॉर्ट नेम्स यूज करो इसके इसमें आ जाए एंगल वन, ए वन, ए टू, ए थ्री. देन सम स्टोर कराने के लिए यूज करेंगे एक्स्ट्रा फोर्थ वेरिएबल है सम. टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने, फोर वेरिएबल्स.
इस केस में बिगिनिंग थ्री वैल्यूज को कंसीडर करेंगे या इनपुट्स, इनका सम किस में आसान होगा, सम वैल्यूज, सम को इस केस में कंसीडर करेंगे या आउटपुट वैल्यूज लाइक दैट। देन नेक्स्ट स्टेप रीडिंग एंटरिंग एंगल्स यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड से टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं इस केस में, थ्री इनपुट्स, एंटर थ्री एंगल्स, एंटर थ्री एंगल्स। नेक्स्ट वन डेटा को रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैन एफ फंक्शंस, देन मल्टीपल वैल्यूज को ये रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए वन कॉमा एड्रेस ऑफ ए टू कॉमा एड्रेस ऑफ ए थ्री। नेक्स्ट वन सेकेंड स्टेप क्या रिक्वायर्ड किस, फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, सेकेंड रिक्वायर्ड स्टेप क्या था रीडिंग इनपुट्स और रीडिंग एंगल्स, नेक्स्ट वन परफॉर्मिंग सम, इसने साइड्स का सम एंगल्स का सम परफॉर्म कराने के लिए यूज किया करें सम इक्वल्स टू सिंपली ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या है चेकिंग इफ कंडीशंस और अप्लाइंग कंडीशंस, कंडीशन क्या हुआ इस केस में इफ सम इज इक्वल इक्वल्स टू और सम क्या है 180 डिग्री, मीन्स अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है देन इस केस में ट्राइंगल कंसीडर होगा या वैलिड ट्राइंगल अदरवाइज इनवैलिड। इस केस में इफ कंडीशन इज ट्रू देन डिस्प्ले सम मैसेज प्रिंट एफ ट्राइंगल इज वैलिड, सम मैसेज ट्राइंगल इज वैलिड। इफ कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स के केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ एल्स ब्लॉक को, फॉल्स किस केस में होगा सपोज दैट इस केस में साइड से एंटर किए लाइक 90 प्लस 60 प्लस 60 इसका सम क्या आ रहा है इस केस में 90 प्लस 60 इज 150, 150 प्लस 60 इज 210 डिग्रीज, इट इज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल्स, इस केस में कंसिडर क्या करें इनवैलिड। दूसरा केस सपोज दैट इस केस में साइड्स प्रोवाइड किए लाइक है एंगल वन एज 90, एंगल टू एज अगेन 90, एंगल थ्री एज जीरो, इस केस में अदर मैंडेटरी कंडीशंस क्या हुआ तीनों साइड्स के ट्राइंगल एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, अदर मैंडेटरी कंडीशंस क्या हुआ नो वन साइड इज जीरो, मींस किसी भी साइड का एंगल जीरो क्रिएट नहीं होना चाहिए इस केस में, अगर थर्ड साइड का एंगल मैंने एंटर किया जीरो देन इस केस में ट्राइंगल कैसा हुआ अगेन इनवैलिड। मींस देखा जाए सम तो इस केस में क्या सम क्या 180 डिग्री लेकिन फिर भी इस ट्राइंगल को वैलिड ट्राइंगल कंसिडर करना पॉसिबल, मींस कोई भी एंगल जीरो नहीं होना चाहिए, ऑल एंगल मस्ट बी नॉन जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। तो इस केस में एक और कंडीशन क्या अप्लाई हुआ इफ के केस में, इन दैट केस फर्स्ट कंडीशन क्या है इफ एंगल इक्वल इक्वल्स टू 180 डिग्री, इफ एंगल इक्वल इक्वल 180 एंड अदर कंडीशन क्या होना चाहिए एंड वैल्यू ऑफ ए वन ग्रेटर देन जीरो सेम एज एंड वैल्यू ऑफ ए टू ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड लॉजिकल एंड वैल्यू ऑफ ए थ्री ग्रेटर देन जीरो, मीन्स अगर सारे के सारे कंडीशंस ट्रू हैं, अगर तीनों साइड्स के एंगल्स का सम 180 के इक्विवेलेंट है ए वन ए टू एंड ए थ्री तीनों ही वेरिएबल्स कैसे हैं ग्रेटर देन जीरो देन कंडीशन ट्रू, ट्रू होने के इसमें डिस्प्ले कराएंगे गिवन गिवन ट्राइंगल इज वैलिड अदरवाइज प्रिंट एफ इनवैलिड ट्राइंगल्स, इसके इसमें डिस्प्ले क्या करा लेंगे इनवैलिड। दिस इज द इफ कंडीशंस फॉर चेकिंग गिवन ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट, क्लियर।